राजयोग किसका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे स्पेशल शो में। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज बात करेंगे राजस्थान के चुनाव में सियासत के सितारों के किस्मत कनेक्शन की। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद भी हो चुके हैं। किसकी किस्मत क्या बोल रही है, नंबरों में किसका क्या है हाल, क्या है किस्मत कनेक्शन, न्यूज 18 नेताओं की कुंडली लेकर हाजिर है। जी हां, हम देखेंगे ग्रह नक्षत्रों की चाल। ज्योतिष के मुताबिक नेताओं के ग्रह नक्षत्रों की क्या है चाल, क्या है हाल। 2018 में राजस्थान में कांग्रेस को 99 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी को महज 73 सीटें ही मिली थी। 27 सीटों में अंतर देखा गया 2018 में। कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी को इस बार कितनी सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस का क्या हाल हो सकता है, कांग्रेस और उनके नेताओं के सितारे क्या कर रहे हैं, बीजेपी और उनके नेताओं की कुंडली क्या कह रही है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज एक एक कर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अंक शास्त्री हैं, डॉक्टर करिश्मा कौशिक, उनसे जानेंगे कि अंक शास्त्र के हिसाब से नेताओं की किस्मत इस वक्त क्या कह रही है। टैरो कार्ड रीडर है गिन्नी मेहता, स्वागत आपका गिन्नी जी। ज्योतिषाचार्य हैं आचार्य सूर्यांश जी, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहते हैं ज्योतिष के आंकड़े। चर्चा की शुरुआत करेंगे करिश्मा जी आपसे जी, क्योंकि हौसले सबके बुलंद हैं जी, सितारे किसके बुलंद हैं, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है इस बार राजस्थान में। देखिए, इस बार राजस्थान में मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि सितारे बहुत बुलंद हैं बीजेपी के। यहाँ पे अशोक गहलोत की बात करते हैं जो कि इस समय पे सीएम है राजस्थान में, मगर इनकी अगर बात करते हैं तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 मई 1951 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और टोटल जो इनका बन रहा है 6 नंबर बन रहा है, शुक्र का नंबर बन रहा है, और रूट नंबर जो इनका है वो है मूलांक इनका 3। तो कहीं ना कहीं ये साल जो है ना इनके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि फेवरेबल नहीं रहेगा। हालांकि 3 इनका मूलांक है, और जिस डेट पर डिसीजन आएगा 3 दिसंबर, तो कहीं ना कहीं डेट भी 3 ही होगी, फेवरेबल होना चाहिए, बट स्टिल मैं कहूँगी यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है मुझे डिफरेंट होती हुई नजर आ रही हैं। 7 नंबर जो होता है कहीं ना कहीं केतु का हम रिप्रेजेंट करते हैं अंकशास्त्र के अनुसार, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो क्योंकि केतु जो होता है ना, ये एक तरफ से देवता का हम ग्रह नहीं कह सकते, मगर जो बृहस्पति होता है ये देवगुरु बृहस्पति हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एनिमी नंबर नजर आ रहा है, जिस वजह से मुझे क्लैशेस डेफिनेटली नजर आ रहे हैं कि इस साल को लेकर के कांग्रेस में अशोक गहलोत को लेकर के बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर इन केस कांग्रेस आती भी है तो बहुत एक कहते ना कि मार्जिन की सीट से आई है, तो वो सिचुएशन रहेगी। ये हम नहीं कह सकते कि जैसे कि पिछले हमने चुनाव में देखा था 2018 में कि बहुत ही अच्छी मात्रा से जो है सीटें मिली थी इनको, हाँ। वो चीज नहीं हो पाएगी इस वर्ष। तो करिश्मा जी कह रही हैं कि इस बार कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। जिन्नी जी आपका क्या मानना है, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, किसकी जीत किसकी हार, तो टैरो कार्ड से भी आपको बताएंगे, क्योंकि जो सितारे होते हैं वो भाग्य का फैसला करते हैं, ये ज्योतिषाचार्य का मानना है। टैरो कार्ड रीडर भी हमारे साथ हैं, अब बताइए आप। कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस थोड़ी ढीली दिख रही है इस टाइम पे, और इस टाइम पे बीजेपी का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, क्योंकि जो कांग्रेस है उसमें मुझे एक फीमेल अगर कैंडिडेट होती तो वो बहुत स्ट्रांग दिखती और वो आती हुई दिखती, तो इसलिए मुझे कांग्रेस नहीं दिख रही है। और बीजेपी में अगर हम देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी एक फीमेल कैंडिडेट है, सो बहुत स्ट्रांग है और वो ही जीते हुए दिख रहे हैं। तो गिन्नी जी का मानना है चूंकि अगर फीमेल कैंडिडेट्स होते कांग्रेस में तो शायद कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती। yes. सर आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है सूर्यांशी? यहां पर हम बात करें, जब चुनाव के समय वोटिंग हुआ उस समय ग्रह स्थिति बड़ी भिन्न थी, पर जब रिजल्ट आ रहा है 3 दिसंबर को उस समय थोड़ा भिन्न रहेगा। उसके पीछे आप देखेंगे कि जो संवत चल रहा है, पिंगल नामक संवत सर है, उसके जो स्वामी हैं इस वर्ष के जो राजा हैं वे बुध ग्रह हैं, और रविवार को 3 दिसंबर को रविवार है और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आद्रा नक्षत्र पड़ रहा है और आद्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो भी बुध ग्रह हैं, तो यहाँ बुध का एक बड़ा रोल रहेगा, जिसका बुध प्रबल होता है वही चुनाव जीतेगा।
यहाँ पर मैं बात करूं बीजेपी और कांग्रेस की, तो वर्तमान में बीजेपी की कुंडली की अगर हम बात करें, यहाँ बीजेपी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है, वृश्चिक राशि की है, और वृश्चिक राशि में 3 दिसंबर को सूर्य और मंगल दोनों एक साथ होंगे। सूर्य ग्रह का राजा होता है तो मंगल सेनापति, दशम भाव का स्वामी सूर्य और लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी मंगल दोनों एक साथ होकर के बीजेपी को प्रबल दावेदार बना देती है यहां पर। और कांग्रेस की उसी स्थिति में बात करें तो यहां पर कांग्रेस की जो राशि है मेष राशि है, यहां मेष राशि में बृहस्पति विद्यमान रहेंगे 3 दिसंबर को और शनि की दृष्टि भी रहेगी। यहां पर कर्म भाव के स्वामी शनि है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी प्रयास अधिक करना पड़ेगा और उसका फल भी उनको मिलेगा। तो यहां सीटें तो बढ़ेंगी पर यह कि फिर भी बीजेपी अगर तोल करें तो बीजेपी प्रबल दावेदार नजर आती है। यहां पर तो बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। खैर, नतीजे तो 3 दिसंबर को ही सामने आएंगे। ये हमारे पीछे आप कई खास चेहरे देख पा रहे होंगे। कांग्रेस की बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा आप देख पा रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, स्पीकर सीपी जोशी का चेहरा है। उधर बीजेपी की बात करें तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौड़ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक एक कर नेताओं को लेते हुए उनके बारे में जानेंगे कि उनका जो किस्मत है, उनका जो भाग्य है, क्या वो खुलने वाला है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे से, क्योंकि करिश्मा जी 3 बार सीएम रहे जी, इस बार क्या लग रहा है कि सीएम बन पाएंगे मुख्यमंत्री अशोक। हालांकि आपने पहले कह दिया है कि कांग्रेस यहां पर मुश्किल में है, लेकिन उनके सितारे क्या कह रहे हैं। देखिए, जो मैं इनके मूलांक से और इनके भाग्यांक से देख पा रही हूँ, इनके लिए थोड़ी चुनौतियां इस बार बिल्कुल सामने आएंगी। हालांकि 3 बार ये सीएम रह लिए, अब थोड़ा सा विराम का इनका समय आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा से ज्यादा अगर हम यहाँ पे दावेदार देखते हैं तो यहाँ पे मैं वसुंधरा राजे जी की बात करूंगी। अभी जैसे कि पंडित जी ने कहा कि बुध जो है राजा है इस साल का भी और इस समय पे, तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में भी बुध ही चल रहा है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसका भाग्यांक जो है 2 है, यानी कि चंद्रमा का नंबर है, और 8 इनका जो है मूलांक है। आने वाला साल भी 8 नंबर का है अगर हम अंक शास्त्र के अनुसार देखें, और अंक शास्त्र के अनुसार 8 नंबर जो होता है शनि का नंबर होता है और कहीं ना कहीं जनता को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि दावेदार वसुंधरा राजे इस बार जो है राजस्थान को कॉन्कर कर सकती है और कार्य भी बहुत अच्छे इस बार बीजेपी के नजर आने वाले हैं। यहाँ पे अशोक गहलोत मुझे मुश्किल में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इस जो 3 दिसंबर को जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे उस दिन जो टोटल नंबर बन रहा है वो 4 बन रहा है, राहु का नंबर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं राहु जो होता है सडन चीजों को चेंज करने का कारक माना जाता है, बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पे राहु सडनली चीजें चेंज जरूर कर सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस को लगे कि हम जीतेंगे जैसे कि 3 बार से जीतते आए, मगर इस बार राहु चीजें चेंज डेफिनेटली करेगा और यहां पे मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे सीटों से जो है बीजेपी आ सकती है। और फिर दोबारा कहूंगी एक बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि अगर कांग्रेस किसी भी कारणवश आ जाती है तो बहुत ही कम सीटों से, बिल्कुल एवरेज मार्जिन लाइन की सीटों से आएगी, बहुत बहुमत की सीटों से नहीं आएगी। अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या नेता ये शो इस वक्त देख रहा होगा, यकीन मानिए जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया होगा। गिन्नी जी, आपके कार्ड क्या कहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, किस्मत खोल रही है उनकी। देखिए, मैं जैसे मैंने पहले बोला था कि फीमेल जीतती हुई दिख रही है, अगर मैं आपको कार्ड्स दिखाऊं तो यू विल बी अमेज्ड कि अगेन फीमेल का ही कार्ड है, तो फीमेल ही जीतती हुई नजर आ रही है मुझे अभी। वो ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे कहीं ना कहीं लग रहे हैं, बैठे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है, इस बार फीमेल ही आएगी। सूर्यांश जी, सीएम अशोक गहलोत को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य और अपना अपना कर्म होता है, तो यहाँ जैसे कहते हैं कि शास्त्र भी कहता है पूर्वार्जितम कर्म शुभम वा यदि वा शुभम तस्य पंक्ति ग्रह सर्वे सूर्यार्चित जन्मनि। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोगता है। यहाँ पर हर व्यक्ति ने, पार्टी के जो मेंबर्स हैं सभी ने अपने अपने स्तर पर काफी प्रयास किया है। पर यहाँ अब ग्रहों की बात आती है तो
पार्टी का अपना भाग्य होता है और जो पद का दावेदार होता है उसका अपना भाग्य काम करता है। यहाँ कई बार ऐसा होता है पार्टी जीत जाती है पर जो सीएम पद का दावेदार होता है वो चुनाव हार जाता है तो उसके एवज में दूसरे को बनाना पड़ता है। अगर हम कह रहे हैं सूर्यांश जी, अशोक गहलोत जी की बात करें, उनकी जो जन्म समय की कुंडली है वह किसी से कम नहीं है। उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग बना हुआ है जो बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि उनका जो लग्न है मिथुन राशि, मिथुन लगन है और दशम भाव में ही बृहस्पति और चंद्रमा मीन राशि में बैठे हुए गज केसरी योग को बना रहे हैं। तो गज केसरी योग और बृहस्पति का केंद्र में बैठना, कहते किम कुरंती ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, अगर बृहस्पति अकेला भी केंद्र में बैठा हो तो हजारों सिंह हाथियों के बराबर होता है उसका, हजार हाथी भी एक सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इस प्रकार की स्थिति है। पर अगर वर्तमान में दूसरा योग एक और मैं बताता हूं जो इनकी कुंडली में बन रहा है, बृहस्पति चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं, इनके लाभ भाव में सूर्य और मंगल बुध तीनों ही एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य उच्च राशि मानी गई है मेष और मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं, इतनी प्रबल कुंडली है। पर यहां वर्तमान में 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाला है उस समय ग्रह की स्थिति इनकी राशि से भिन्न पड़ रही है। इनकी मीन राशि और मीन राशि पे वर्तमान में 7:30 ही प्रारंभ हो चुकी है, 7:30 ही चल रही है और इनकी मीन राशि में राहु विद्यमान है और बृहस्पति पर शनि की दृष्टि का होना, 7:30 में उतार चढ़ाव काफी रहता है, काफी व्यक्ति को परिश्रम भी करना पड़ता है और पद क्षति भी होती दिखाई देती है। यहां पर हालांकि भाग्य भाव में सूर्य मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, भाग्य प्रबल रहेगा पर हम इनके जो विपक्ष में है उनकी भी बात कर लेते हैं। इनका राजयोग तो प्रबल है, ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, पर जो सामने है उनके सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि सामना उनका किस व्यक्ति से हो रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। सामने इनके अगर बीजेपी वसुंधरा राजे जी को तैयार करती है या उसी चेहरे को फेस करती है तो उनका वृष लगन की कुंडली है, जन्म कुंडली, और वर्तमान में राहु की दशा चल रही है शनि का अंतर राहु में, तो दोनों ही राहु कूटनीति का स्वामी होता है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपने आप को निकाल लेता है, अपने कार्य को साध लेता है और शनि भी इसी प्रकार से समाज से जोड़ता है और नेतृत्व कराता है। तो यहां पर इनका वृष लगन है तो राशि वृश्चिक है और वृश्चिक राशि में जैसा कि मैंने पहले बताया था 3 दिसंबर को सूर्य और मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और सूर्य इनका दशम भाव का स्वामी भी होता है और शनि कुंभ राशि में होने से इनके ग्रह अशोक गहलोत जी से प्रबल दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्यांश जी का कहना है कि अशोक गहलोत की किस्मत तो अच्छी है, भाग्य तो प्रबल है, लेकिन सामना जिससे है वसुंधरा राजे उनका भाग्य और ज्यादा प्रबल है। क्यों सूर्यांश जी ये कह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार करिश्मा जी ये जिक्र भी कर रही हैं कि अगर महिला सीएम फेस होता कांग्रेस की ओर से तो शायद कांग्रेस का वहां पर थोड़ा बहुत चांस था, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, दिग्गज नेता, कद्दावर नेता, उनके बारे में जरा बताइएगा सीएम बनने के चांस है क्या इस बार उनके? देखिए बिल्कुल चांस है, अगर कांग्रेस, यहाँ पे मैं छोटी सी बात कहूंगी कि अगर कांग्रेस किसी फीमेल फेस हम क्या ही कहें, अगर मैं सीधा सीधा कहूं कि प्रियंका गांधी जी को फ्रंट फेस पे ले आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वैसे भी बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम राहुल गांधी की अंकशास्त्र देख के चले तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं आने वाले टाइम पे दिखाई दे रहे, और अगर कुंडली की भी बात करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दिखाई दे रहे, तो डेफिनेटली कांग्रेस को एक फीमेल फेस की जरूरत है या हम यूं कह लें कि प्रियंका गांधी की जरूरत है इस समय पे। मगर वहीं पे बीजेपी की अगर हम वसुंधरा राजे जी की बात करें, प्रचार करने तो खूब पहुंची प्रियंका गांधी, बात तो वही है, खुली क्या कांग्रेस की बात तो वही है, प्रचार करने में और एक सीट पे खड़े होने में फर्क होता है, तो वो अपनी किस्मत लेके खड़े होते हैं, प्रचार तो हर कोई करता है मगर फिर भी एक अपनी किस्मत लेके खड़े होने में फर्क होता है सीट पे। मगर हम यहाँ पे बीजेपी की अगर वसुंधरा राजे जी की बात करें तो इनका जो मूलांक है वो है 8, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1953 इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1953, टोटल जो इनका बन रहा है 2 अंक बन रहा है चंद्रमा का। और वहीं पर अगर हम आने वाला साल या हम इस साल की भी बात करें, केतु की भी बात करें, क्योंकि 7 नंबर का अंक है इस वर्ष का और केतु इसको रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए चीजें काफी प्रबल रहेंगी। जैसे कि 8 इनका नंबर है तो शनि राहु केतु एक तरह से हम सिमिलर कह सकते हैं, चीजें जो है बहुत सारे एकदम से चेंजेस में लेकर के आते हैं,
केतु जो होता है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक का भी कारक होता है, और जैसे कि हम बीजेपी के कार्य समय पे देख रहे हैं अलग अलग तरह से जो है सारे आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कार्य करे हैं, और इस वर्ष खास तौर से 2023 में तो खास तौर से आध्यात्मिकता से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य बीजेपी के सामने आए हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़े दिन पहले भी देखा था कि वाराणसी में भी बहुत धूमधाम से इस बार जो है देव दीपावली का पर्व मनाया गया, तो उसी तरह से मैं कहूंगी कि ये जिस तरह से आध्यात्मिकता की तरफ बीजेपी जा रही है, बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है और ये वर्ष भी आध्यात्मिकता का है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे जी की जो अंक शास्त्र के अनुसार हम बात करें या अगर हम कुंडली के हिसाब से भी बात करते हैं तो बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे अगर ये दोबारा सीएम बनती हैं राजस्थान की तो वाकई में राजस्थान को एक नई, हम ये कह सकते हैं कि उमंग मिलना, नई लहर मिलना बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि हमने अभी उत्तर प्रदेश में देखा बहुत सारी प्रगति हुई, तो राजस्थान को मुझे लगता है कि बीजेपी की जरूरत है। कांग्रेस ने तीन बार दिखा लिया 15 साल में कमाल क्या करना चाहिए था, क्या कर सके, तो अपने जो भी कार्य है अब हमें लगता है बीजेपी को एक मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और आपके आंकड़े भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार बन रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। गिन्नी जी, क्या है भविष्य वसुंधरा राजे का, निकालिए जरा उनके लिए कार्ड, देखते हैं क्या निकलता है इस कार्ड में वसुंधरा राजे के लिए। वसुंधरा जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा काम कर रही है वो, और मतलब हर बंदा उनके साथ कनेक्ट फील कर रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो लोग उनके साथ ही जाना चाहते हैं। किसकी किस्मत खोलने वाली है, किसका राजयोग आने वाला है, इस पर चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। राजयोग किसका, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किसके किस्मत के सितारे खोलने वाले हैं और किसकी सरकार इस बार बनने वाली है 2023 में, किसका है राजयोग। और चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे गिन्नी मेहता जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी सूर्यांश जी ने बोला कि पार्टी तो कोई भी जीत सकती है लेकिन सीएम कौन बनेगा ये भी उसके भाग्य पर ही निर्भर करता है। क्या कह रहे हैं सितारे वसुंधरा राजे के? वसुंधरा जी जीतती हुई ही नजर आ रही है मुझे, सीएम बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि उनके अगेंस्ट हैं बट अगेंस्ट भी नहीं है, वो भी उनके फेवर में नजर आएंगे। इस बार उनके स्टार्स इतने अच्छे हैं कि उनको हर तरफ से विजय ही विजय मिलेगी, विजय मिलेगी वसुंधरा राजे को। चलिए बढ़िया है, देखते हैं 3 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। सूर्यांश जी आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की जो किस्मत है इस वक्त चमकती हुई नजर आ रही है, पीछे जो तस्वीर है उसमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी नजर आ रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं, सीएम फेस भी माने जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहते हैं आपके आंकड़े, आपका ज्योतिष? देखिए जैसा कि अगर आप बात कर रहे हैं सीएम पद की दावेदारी की कि वसुंधरा राजे जी एक चेहरा बड़ा फेस है जो पूर्व में भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और दूसरे फेस की आप तैयारी करें गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अगर दोनों की आपस में हम तुलना करें तो यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी की जो कुंडली है वह कन्या राशि की है, तो यहाँ पर उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक साथ विद्यमान हैं, और यहाँ पर वर्तमान में अगर कन्या राशि का देखें ग्रह स्थिति तो यहाँ शनि षष्ठ भाव में शनि होकर के दावेदारी तो बनाता है क्योंकि प्रयास कराता है शनि भी पद देने का, षष्ठ भाव में शत्रु हंता योग बनता है, शत्रु जो प्रास्त करता है सिर तो अपने निकाल ले जाएंगे, पर उनका सामना अगर सीएम पद के दावेदारी में आना है तो वसुंधरा राजे जी के साथ में है, और शनि यहाँ षष्ठ भाव में शत्रु विरोधी को प्रास्त करता है तो उधर शनि ग्रह वसुंधरा राजे जी के दसम भाव में बैठा हुआ है जो कि प्रबल दावेदार बनाता है, तो यहाँ हमें नहीं लगता कि आमना सामना होगा। हालांकि शनि जब वक्री रहे 4 नवंबर से पूर्व 4 महीने के लिए उसमें वसुंधरा राजे जी के सामने थोड़ा सा स्थिति कमजोर थी, पर जैसे ही 4 नवंबर को शनि मार्गी हुए हैं तो उनके फेवर में जाती दिखाई दे रही है। अब सूर्यांश जी कह रहे हैं कि उनके भी फेवर में चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो करिश्मा जी क्या लग रहा है अगर बीजेपी जीतती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम बन सकते हैं क्या?
देखिए बिल्कुल इनके चांसेस जरूर दिख रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कहूंगी कि गजेंद्र सिंह जी का अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो 3 इनका मूलांक है, और वहीं पे अगर हम कांग्रेस से बात करें अशोक गहलोत की तो उनका भी मूलांक 3 है, तो स्ट्रांग इनके लिए भी है उनके लिए भी। मगर यहाँ पे हम अगर भाग्यांक की बात करते हैं तो इनका 9 भाग्यांक बन रहा है, और जिस दिन ये नतीजे आएंगे 3 तारीख को, तो 3 और 9 का काफी हद तक जो है एक कनेक्शन रहता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके लिए डेफिनेटली फेवरेबल होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जिस दिन नतीजे आएंगे 3 दिसंबर 2023 को तो जो टोटल रहेगा वो 4 रहेगा, तो चीजों में बदलाव हम जरूर देख सकते हैं। चीजों में बदलाव हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि बीजेपी को ही लेकर के अलग अलग फेसेस हमें सामने मिल सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वसुंधरा राजे जी की, तो कहीं ना कहीं एकदम से सडनली चेंज होकर के गजेंद्र जी भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, मगर यहाँ पे हमें चीजें डेफिनेटली चेंज होती हुई नजर आ रही है, और इनके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये एक अच्छे पक्के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक खास चेहरा जो सीएम फेस भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम बनते हैं। गिन्नी जी, सचिन पायलट की भी बात करेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, क्या है उनकी किस्मत में इस बार? सचिन पायलट जी की मैं बात करूं तो मुझे अभी वो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हैं, अभी भी उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने एफर्ट्स बहुत डाले हैं, प्लानिंग्स बहुत करी हैं, चीज़ों को करने की कोशिश भी बहुत करी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो चूकते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। सुर्यान जी, सचिन पायलट के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार भी बनी और लग ऐसा ही रहा था कि वही सीएम बनेंगे पर हो नहीं पाया, कुंडली में क्या दोष है उनके, क्या लग रहा है आपको? देखिए सचिन पायलट जी जो हैं उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और उनके कर्म क्षेत्र में दशम भाव में सूर्य बुध शनि तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य सिंह राशि में है, अपनी राशि में है, और सूर्य ग्रह का भी राजा होता तो व्यक्ति को राजयोग तो देता ही देता है, और शनि जब कर्म योगी जो होता है वो शनि है, कर्म योगी भी साथ में फिर कहना कुछ नहीं हो सकता, पर यहाँ इनकी कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है जो कि ग्रह को बांध देता है, व्यक्ति प्रयास अधिक करता है पर उस प्रकार से सफलता नहीं मिल पाती। गज केसरी योग भी बना हुआ है पर वो अष्टम भाव में इनके गज केसरी योग बना हुआ है, ग्रह पूर्णतः जिस प्रकार से फल देना चाहिए उस प्रकार से नहीं दे पा रहे हैं। अगर शनि ग्रह की इनके बात करें जो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कारक भी होते हैं, तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वो 0 डिग्री के हैं। यहाँ 0 डिग्री का बाल्य अवस्था में होना शनि पूर्णतः अपना फल नहीं दे पा रहा है, जिसके लिए ये अपने आप से ही लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिनको जिसे जो योग्यता है इनकी क्षमता है उस आधार पर इनको एक वैरियता नहीं मिल पा रही है क्योंकि शनि कमजोर है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि और इस समय वर्तमान में दशा भी शनि की है, प्रयास तो पूरा किया जाएगा कि किसी प्रकार से कोई बड़ी कमान संभाली जाए, कोई बड़ा पद मिले, पर 0 डिग्री होने से और राहु का अंतर होने से काम नहीं चलेगा। यानी कि इस बार भी सचिन पायलट की उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं आप लोगों के हिसाब से। करिश्मा जी, सीपी जोशी की बात करेंगे, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही में सीपी जोशी हैं, इधर कांग्रेस की ओर से स्पीकर सीपी जोशी हैं तो उधर बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दोनों के भाग्य को एक साथ बताइएगा, क्या कह रहे हैं दोनों के सितारे? देखिए सीपी जोशी की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1950 है, 2 इनका जो है मूलांक है, वहीं पे 6 इनका जो है भाग्यांक बन रहा है, शुक्र का जो नंबर होता है 6 ये भाग्यांक बन रहा है इनका। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों में इनके बदलाव ज़रूर रहेगा मगर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है। ये जो दो तरफा चाल चल रहे हैं, एक तरफ से बीजेपी एक तरफ से कांग्रेस, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इनके लिए इस समय पर बेनिफिशियल ये टाइम रहने वाला है। पद तो नहीं मिलेगा मगर यहाँ पे ये है कि इनको एक साइड इस समय पे जरूर हो जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में ये बहुत स्ट्रांगली जो है चीजों को फेस कर पाए और बहुत स्ट्रांग दावेदार बन पाए। इस समय पे मुझे नहीं लग रहा है इनके मूलांक और भाग्यांक को देख करके कि ये बहुत स्ट्रांग दावेदार रहेंगे इस बार। गिन्नी जी, दोनों लोग ले कार्ड एक साथ, कांग्रेस के सीपी जोशी के लिए भी और बीजेपी के सीपी जोशी के लिए भी। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, सीपी जोशी जी एक तरफ से तो ज़रूर मतलब आते हुए दिख रहे हैं मुझे,
कांग्रेस की तरफ से। अच्छा जी, तो उस तरफ से तो उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और बट बीजेपी की तरफ से आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अगर चूंकि आप कह रही हैं कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है, तो जरा समझाइएगा कांग्रेस की ओर से कैसे सीपी जोशी का उनको, मतलब उनका जो अभी काम करने का तरीका है, उनकी एक पोजीशन थोड़ी सी ऊपर हो सकती है, मतलब उस जो अभी वो काम कर रहे हैं उसके अंदर ही उनको कुछ मिल सकता है वैसे। बट अगर मतलब लोगों के हिसाब से कहें तो वैसे वो आते हुए बढ़ते हुए दिख नहीं रहे हैं, मुझे स्टैग्नेंट पोजीशन पे ही दिख रहे हैं। सूर्यांश जी देखिए, जैसा कि इनका हम देख पा रहे हैं, तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली में ही इनके दशम भाव में कर्क राशि में सूर्य विद्यमान है। सूर्य दशम भाव में बैठ करके दिग्बल भी प्राप्त हो जाता है, और सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि जैसे पृथ्वी को प्रकाशमान करता है, अंधकार को छटा देता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन से भी अंधकार को मिटा देने वाले सूर्य इनके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो यहाँ अंधकार को मिटाने का समय अब आ चुका है, क्योंकि इनके इस समय दशा की बात करें, शुक्र की बुध की दशा चल रही है और शुक्र का अंतर, और वर्तमान समत में भी बुध राजा है तो शुक्र मंत्री है। तो यहाँ बुध की दशा और शुक्र की अंतर दशा होना इनके लिए फायदेमंद है। इनकी जन्म राशि मकर है, और इस समय वर्तमान में गोचर में अगर बात करें दिसंबर की, 3 दिसंबर की, लाभ भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य मंगल है, तो धन भाव में कुंभ राशि में इनकी राशि के जो स्वामी है शनि वर्गोत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इनको लाभ होगा, कांग्रेस को लाभ हो या ना हो, किसी व्यक्ति को लाभ हो या ना हो, पर इनको लाभ होता प्रतीत दिखाई दे रहा है। यहाँ तुला राशि दशम भाव में है और शुक्र भी तुला राशि में विद्यमान रहेंगे, ये कोई ना कोई बड़ा फेरबदल कर सकते हैं और कोई ना कोई एक्शन बिल्कुल लेंगे। करिश्मा जी, राजेंद्र राठौड़ पे आते हुए जी, नेता प्रतिपक्ष है अभी, एक समय था उपनेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे जी, तो यहाँ तो इनकी किस्मत चमकती हुई नजर आई। सीएम फेस माना जा रहा है उन्हें, सीएम बनेंगे क्या, वो बन सकते हैं? देखिए, इनका भी अगर हम जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, क्योंकि ये हमें जितना भी डेट ऑफ बर्थ और जो भी डेटा मिलता है ये हमें डर्टी डेटा के अकॉर्डिंग मिलता है, तो जो भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं वो डर्टी डेटा के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम राजेंद्र जी की बात करें तो इनका जो मूलांक है ये भी 3 है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1955 की डेट ऑफ बर्थ है, और टोटल जो इनका भाग्यांक है वो है 9। अब यहाँ पे सबसे मजेदार बात तो ये आ रही है कि जितने भी अभी तक बीजेपी के दावेदार आए हैं ना, सबका मूलांक 3 ही आ रहा है, और जिस दिन चुनाव का दिन है, जिस दिन जो रिजल्ट्स आएंगे वो जो डेट है वो भी 3 ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांग फेवरेबल चांसेस बीजेपी के है, नो डाउट। मगर यहाँ पे अगर हम इनकी बात करते हैं तो क्योंकि इनका मूलांक और भाग्यांक आपस में काफी हद तक फ्रेंडली है, तो कहीं ना कहीं इनके चांसेस बन सकते हैं, दावेदार बन सकते हैं, क्योंकि दावेदार अभी भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है चीजें बदलाव में आती हुई दिख रही हैं इनकी भी, तो यहाँ पे इनको जो है प्रयास जरूर करना पड़ेगा सीएम बनने के लिए। सीएम बनना थोड़ा सा जो इनका जो रास्ता रहेगा वो थोड़ा कठिन मुझे लग रहा है, तो इनको प्रयास इस समय पे करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि ये प्रयास करें। अब देखिए करिश्मा जी वही वाली बात कर रही है जो सूर्यांश जी ने बोला कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है, लेकिन सीएम हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ ना बने। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखना होगा कि अगर सरकार बनती है तो सीएम कौन बनता है। गिन्नी जी, अब बात करेंगे हम लोग, क्योंकि लगातार हम उन नेताओं का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, आप लोगों के आंकड़े यही बता रहे हैं। सरकार कैसे बनेगी, बंपर वोटिंग से जैसा कि बीजेपी का इतिहास रहा है, या फिर नेक टू नेक फाइट रहने वाला है? बीजेपी के सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, इस बारी का जो रिजल्ट आएगा उसमें बीजेपी के काफी ज्यादा वोट्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस बारी वो काफी अच्छे वोट से जीतेगी। कांग्रेस तो मिशन 156 लेकर चल रही है, ज्यादा नीचे जाएगी बट बीजेपी जीतेगी बहुत अच्छे वोट से। यहाँ पे 200 सीट में से मुझे जितना मैं अनुमान लगा पा रही हूँ, 199 पे इस बार इलेक्शन हुए थे। अच्छा, 199 पे इलेक्शन हुए थे, तो जितना मुझे जो मैं अनुमान लगा पा रही हूँ बीजेपी के अंक शास्त्र के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे चांसेस लग रहे हैं कि बीजेपी जो है कम से कम 120 से 125 सीटें लेकर के जा सकती है। जो लास्ट टाइम 2018 में बीजेपी के आंकड़े रहे थे कि 74 या मेरे ख्याल से 76 सीटें लेके आई,
थी, तो उस हिसाब से इस बार कांग्रेस का 73 सीटें लेके आई थी, तो उस हिसाब से इस समय पे कांग्रेस का मुझे पलड़ा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा सीटें आती हुई नहीं दिख रही है। अगर सीटें आती भी है तो बिल्कुल मार्जिन लाइन से आएंगी, मैं तिवारा ये बात बोल रही हूँ, तो मार्जिन लाइन से आ सकती है, मगर ये नहीं है कि अगर जैसे कांग्रेस सोच रही है 156 पार, वो चीज इस बार बिल्कुल नहीं है। बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा चीजें रहने वाली हैं और बीजेपी की सीटें भी काफी अच्छी आने वाली हैं। बिल्कुल, अगर इतिहास पर नजर डालें तो इतिहास में भी ऐसा ही होता रहा है कि जब बीजेपी की सरकार बनती है तब तो बम्पर वोट से जीत होती है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो वोट परसेंट का शेयर है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। सुरेश जी, आपका जो ज्योतिष है, आपके जो आंकड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं, बम्पर जीत मिल रही है क्या बीजेपी को इस बार? देखिए, बात राजस्थान की हो तो वहां पर बीजेपी और अगर कांग्रेस की तुलना करें तो यहां पर बीजेपी जो पार्टी है उसका मिथुन लग्न की कुंडली है, और मिथुन लग्न की कुंडली में जो मिथुन लग्न है उसके स्वामी बुध ग्रह हैं, और इनके जन्म के समय यानी कि स्थापना दिवस के समय तृतीय भाव में ही चार ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल, बृहस्पति, राहु और शनि चारों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, और वृश्चिक राशि में ही सूर्य मंगल दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी दावेदारी अधिक होती है और बहुमत दिखाई दे रहा है। एक और फेस जिसे लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे, हालांकि तस्वीर में वो नहीं है लेकिन नाम उनका खूब चर्चाओं में है, हम बात कर रहे हैं दिया कुमारी की, विद्याधर नगर सीट से कैंडिडेट भी हैं, उनके सितारों को लेकर भी बात कर लेते हैं, उनका भविष्य क्या कह रहा है? देखिए, दिया कुमारी की अगर बात करें तो इनका फेस जो है बहुत ज्यादा इस समय पे है, सुर्खियों में बना हुआ है, मगर इनके जो हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी कि दावेदारी पे ये आ सकती हैं, ठीक है, अभी सुर्खियों में बनी रहेंगी, अभी जो इनके जो चर्चा है वो भी चलती रहेगी, मगर अभी थोड़ा सा और इनको मेहनत करने की जरूरत है, अभी थोड़ा और आगे जो बढ़ने की जरूरत है इनको। हम हाँ ये कह सकते हैं कि आने वाले जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तब इनको सीएम की दावेदारी पे देख सकते हैं, मगर सीएम की दावेदारी पे इस समय पे हम नहीं देख सकते। ये थोड़ा सा जी आने वाले अगले 5 सालों की चूंकि आपने जिक्र की है जी, बिल्कुल बीजेपी आ रही है क्या? देखिए, बीजेपी के आने के चांसेस तो हम कहेंगे कि बनेंगे, और यानी बीजेपी रिवाज बदलेगी जो दावा इस बार कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल बदलेगी, और ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी काम भी इतना अच्छा करके दिखाएगी कि जनता अपने आप कहेगी कि बीजेपी आनी चाहिए, यानी बीजेपी विकास भी करेगी, ये भी प्रेडिक्शन आप कर रही हैं। विकास है डेफिनेटली राजस्थान में, विकास है, क्योंकि जो बीजेपी कहती है कहीं ना कहीं उसके वादे पूरे होते हैं। अभी कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए हैं, अभी भी किए हैं, आज से 15 साल पहले भी किए थे, आज से 5 साल पहले भी किए थे, मगर वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। मैं हाल ही में राजस्थान घूम के आई हूँ, मुझे राजस्थान की हालत पता है, सड़कों में और कूड़ेदान में फर्क नजर नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे चले कहाँ नहीं चले। मेरे ख्याल से आप भी इस बात को सहमत होंगी, मगर हम वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो हमें ऐसा लगता है हम कहीं सिंगापुर में आ गए, थाईलैंड में आ गए, तो विकास हम कहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो मुझे तय दिल से लगता है कि राजस्थान को बीजेपी की जरूरत है ताकि हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सके, हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सके, हम संस्कृति को आगे बढ़ा सके, टूरिज्म को आगे बढ़ा सके। लोग ये चीज नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं उन चीजों से हमारे को आगे नौकरियां भी मिलेंगी। अगर हम धर्म को लेकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी लोगों को बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं, ऐसा नहीं है? तो मैं वही चीज कहूंगी कि राजस्थान एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो है चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो करिश्मा जी का ये पर्सनल व्यू है कि अगर बीजेपी रहती है तो विकास ज्यादा होता है। गिनी जी, क्योंकि अगले 5 सालों का भी जिक्र करिश्मा जी ने कर ही दिया, हालांकि अभी तो इस बार के नतीजे भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है बीजेपी रिवाज बदलने वाली है, दावा इस बार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत हद तक और बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ तरक्की की तरफ दिख रही है, और बाहर के देश और भी ज्यादा हमारे देश के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, और बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। सूर्यांश जी, देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पर बात यहाँ राजस्थान की, तो राजस्थान में तो बहुमत दिखाई दे रहा है, पर कहीं ना कहीं और राज्यों में बीजेपी पार्टी जो है इसमें संघर्ष करती दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और छत्तीसगढ़ में नहीं बन रहा है सहयोग बीजेपी का। सूर्यांश जी बड़ी बात बोल रहे हैं आप जी,
तो यहाँ चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा और शनि का अंतर है, एक तरीके से विषयोग बन जाता है, दोनों आपस में शत्रु है। यहाँ स्थापना दिवस के आधार पर जो कुंडली बनी है उसमें मिथुन लगन है, तो पंचम भाव में तुला राशि में शुक्र चल रहा है और राजस्थान की राशि भी तुला है, तो तुला राशि में शुक्र विद्यमान है, तो वो आराम से हाथ आता दिखाई दे रहा है। पर बाकी राज्यों में यहाँ पर शनि का अंतर 7 मार्च 2024 तक रहेगा और ये जो चुनाव का रिजल्ट है इसी अंतरदशा में आ रहा है, तो यहाँ राजस्थान अपने हाथ में लेकर के बाकी में पिछड़ती दिखाई दे रही कुछ राज्यों में, तो यहाँ पर बीजेपी को भी थोड़ा संभल करके चलने की आवश्यकता है। और हालांकि बृहस्पति मेष राशि में है और स्वतंत्र रूप से 30 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, अभी तक वक्री चल रहे थे, जो धर्म अध्यात्म को लेकर के चलेगा वही यहाँ आगे आने वाले चुनाव में अपना स्थान निर्धारित कर पाएगा, जैसे कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को संभल करके देख करके चलने की बड़ी आवश्यकता है। राहु भी मेष राशि में जो कूटनीति का है, तो यहाँ लोग लुभावने वादे आप चाहते हैं कि उनके आधार पर अपना स्थान प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं होगा, जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति और राहु अलग अलग स्थिति में है। अभी तक राहु और बृहस्पति एक साथ चल रहे थे, गुरु चंडाल योग बना हुआ था, तो आपने देखा भी होगा कि लोगों ने धर्म को एक रास्ता बना करके उस पर कुठाराघात किया और लोगों की आस्था को, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया, किसी प्रकार से सनातन धर्म को मच्छर कीड़े मकोड़े भी बताया गया। पर यह जैसे ही बृहस्पति स्वतंत्र हो जाते तो पब्लिक जो है, समाज जो है, वह धर्म को, तो सूर्यांश जी का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, या यूं कहें कि 4 जगह हो चुके हैं, 1 जगह ही बाकी है, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 5 में अगर बीजेपी की सरकार कहीं बन रही है तो वो है राजस्थान, और यहाँ पर बीजेपी को बंपर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। सूर्यांश जी, एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट इस पर भी, क्योंकि जो जो दो लोग हमारे साथ और मौजूद है उनका ये मानना है कि रिवाज बीजेपी बदलेगी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान स्थिति के आधार पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि राजस्थान में सरकार बना पाएगी, पर यह कि और राज्यों का यहां वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि राजस्थान के प्रति ही यहां पर बताया गया है, तो यहां पर राजस्थान में तो बिल्कुल अपना सीट निकाल रही है। और हालांकि यहां बीजेपी को फिर से मैं कहूंगा, क्योंकि शनि, राहु और मंगल गुरु चारों ग्रह एक साथ तृतीय पराक्रम भाव में अधिक संभलने की आवश्यकता है, कठिनाइयां ज़्यादा आएंगी और ऐसा नहीं कि सहजता से कार्य संभव हो पाएगा, वहाँ कहीं ना कहीं उन्हें जूझना भी पड़ेगा और लगातार नीचे स्तर पर रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। तो आज राजयोग में हमने चर्चा की कि सरकार किसकी बनने वाली है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़े, टैरो कार्ड रीडर भी जुड़ी, और इसके साथ ही न्यूमरोलॉजिस्ट भी जुड़ी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से योग बन रहा है कि इस बार सत्ता में बीजेपी की वापसी हो रही है, और थोड़े बहुत अंतर से नहीं, एक बड़ा अंतर, यानी कि बंपर जीत यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहां पहुंचने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।